नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में जो ताऊते या तोकते जो चक्रवात है उसका प्रभाव सभी जगह देखने को मिल रहा है। तो ये चक्रवात क्यों उत्पन्न होता है और चक्रवात जो है उसका प्रभाव कहाँ कहाँ होता है, चक्रवात की आंख क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये जो है आप यहाँ लाइव इसका zoom.earth इस वेबसाइट पर आप इसको जो है लाइव इसको देख सकते हैं। यहाँ आप इस चक्रवात को आसानी से आप इसको महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इसका एक सर्किल बन रहा है यहाँ इस तरह से, और ये घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज जो है ये सर्किल बन रहा है। इसमें क्या होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध है मकर रेखा के ऊपर, वहाँ जब चक्रवात आते हैं तो वो घड़ी की दिशा में, और उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध के जो चक्रवात है उसमें होता है घड़ी की विपरीत दिशा में इनका जो सर्किल होता है। चक्रवात की आंख क्या है, चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं, इन सब की हम बात करेंगे। इससे पहले आप इस मैप को देखिए, यहाँ से जो है इसकी शुरुआत हुई है। ये भारत का नक्शा है और ये आप यहाँ देख रहे हैं अरब सागर में, लगभग भारत से थोड़ा पश्चिमी दक्षिणी अरब सागर में इसकी उत्पत्ति 12 मई को इसकी उत्पत्ति हुई। फिर हम इसकी आगे की अगर स्पीड वगैरह देखें, जैसे यहाँ पर हम टच करेंगे जैसे ही, तो यहाँ आप साइड में ग्राफ में देख सकते हैं इसकी स्पीड। शुरुआत में इसकी स्पीड जो है, यानी इसकी जो हवाओं की जो गति है वो थोड़ी कम थी, 45, 35, 45। फिर आप यहाँ सबसे ज़्यादा स्पीड आपको यहाँ देखने को मिली मध्य के लगभग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी स्पीड जो है थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड जो है वो अभी तक रही है 17 तारीख को 220। अब वर्तमान की बात करें 19 तारीख के हिसाब से, तो वर्तमान में ये 55 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड से, और ये इसका जो है मिलीबार में इसका प्रेशर है, वायुदाब है इसका। तो इसमें कहाँ वायुदाब ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। तो अब आप इसको मैप के हिसाब से समझ सकते हैं कि भारत में जो है इसका प्रभाव कहाँ कहाँ और किस प्रकार से पड़ने वाला है। तो आप यहाँ देखिए कि ये इसका जैसे ये आगे चला उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर, तो यहाँ पे जैसे केरल है, गोवा है, महाराष्ट्र, नीचे कर्नाटक और गुजरात। तो ये गुजरात में जैसे 17 तारीख को 23:30 पर, यानी रात्रि में 17 तारीख को इसने प्रवेश किया, और अब जो है 18 और 19 तारीख की अगर वर्तमान की बात करें तो ये राजस्थान के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। यहाँ जैसे अजमेर है, ये जोधपुर है, तो ये वर्तमान में यहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये इसका लाइव जो है, आप इसको टेलीकास्ट zoom.earth से आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसको और समझने का प्रयास करते हैं कि चक्रवात का नाम ताऊते क्यों रखा गया और इस शब्द का क्या अर्थ है और चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं, उन सब की हम बात करते हैं। ताऊते जो तूफान है, ये अंग्रेजी का वर्ड TAUKTAAE, ये बर्मी भाषा का शब्द है। तो इसमें क्या है, कई के या कई टी साइलेंट रखते हैं, तो ये ताऊते भी हो जाता है, तोकते भी हो जाता है। म्यांमार ने ये नाम दिया है तोकते। इसमें क्या होता है कि सभी देशों का एक ग्रुप बना हुआ है, और तूफान का नाम इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए एक साल में अगर 2, 3, 4 तूफान आ गए तो उनको फिर पहचान कैसे पाएंगे, उनका कोई ना कोई नाम होगा, तो क्या होगा कि फिर उस हिसाब से उसकी जो जो उसकी सावधानियां है वो रखी जा सकती है। तो साल का ये पहला चक्रवाती तूफान है तोकते या ताऊते, तो म्यांमार की तरफ से इसका नाम रखा गया है। म्यांमार का पहले नाम था बर्मा, तो बर्मी वहाँ की भाषा है, तो बर्मी भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। तो जैसे छिपकली चलती है और आगे बढ़ती है, उस हिसाब से ही इसको जो है वो नाम दिया गया है। सामान्य रूप से हर चक्रवात के पीछे जो है नाम रखा जाता है, उसके खास प्रोसेस होती है। विश्व मौसम विभाग ने ये जो है नियम बना रखा है कि नाम इसका रखा जाएगा, और वार्निंग सेंटर चेतावनी केंद्र जो है उसकी तरफ से किया जाता है। इस पैनल में 13 देश है जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि जहां जहां तूफान आते हैं उसके आसपास के देशों को इसको लिया गया है, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, यमन आदि शामिल है। पिछले साल इन देशों ने 13 नाम सुझाए थे, तो उन 13 नामों का क्या है, क्रम से उनको रखा जाता है। तो इसके चलते चक्रवातों के 169 नामों की लिस्ट जो है वो तैयार की गई है। तो पहले से ही आगे जो तूफान
तूफान तो देखो अब आना ही है, इसमें यह तो है नहीं कि नाम पहले देने से कम इसका इंतजार कर रहे हैं, तो प्राकृतिक घटना है तो उसका नाम पहले ही जो है दे दिया जाता है ताकि आने वाले जो तूफान है उससे लोगों को किस तरह से बचाया जा सके और अलर्ट किया जा सके। अब नाम क्यों दिया जाता है, अब चूंकि क्या है कि एक चक्रवाती तूफान जो है वो एक सप्ताह या इससे अधिक समय तक चलता है। अब मान लीजिए एक समय में एक से अधिक तूफान आ जाए तो मौसम विभाग से जुड़े व अन्य लोगों को किसी तरह का कंफ्यूज ना हो इसलिए इनका नाम दिया जाता है। इसमें आपदा चेतावनी जारी करने और भविष्य में पिछले चक्रवातों का उल्लेख आसानी से हो जाता है कि पिछला चक्रवात ये आया था उसमें इतना जानमाल का नुकसान हुआ, इस तरह से उसे बचा गया था। सामान्य रूप से ट्रॉपिकल चक्रवातों के नाम क्षेत्रीय स्तर पर नियमों के अनुसार होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि चक्रवात जो है ये भी आप देख रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज जो है घूम रहा है और इसमें होता क्या है कि ये जो हिस्सा है इसका ये निम्न वायुदाब का हिस्सा होता है, यानी यहाँ वायु का दाब बहुत कम हो जाता है। गर्मी पड़ती है, गर्मी से हवा फैलती है, समुद्र के ऊपर भी गर्मी पड़ती है। उष्ण कटिबंध का क्या मतलब हुआ, गर्म जो इलाका है पृथ्वी का जो गर्म वाला हिस्सा है जहाँ सूर्य की किरणें तेज पड़ रही है तो वहां क्या होगा कि हवा फैलेगी, हवा फैलेगी तो वो स्थान जो है निम्न वायुदाब का हो जाएगा, तो उस स्थान को भरने के लिए आसपास से हवाएं तेजी से आती है। ठीक है, तो ये हवाएं तेजी से आने से क्या होता है कि एक चक्रवात का रूप ले लेती है। अगर ये छोटा हो तो कोई नुकसान नहीं है, मगर ये बड़ा हो जाता है तो इससे क्या है आसपास के क्षेत्रों में जानमाल का नुकसान भी होता है। यहाँ पर समुद्र में जो वाष्पन होता है तो हवाएं तेजी से गर्म होकर ऊपर उठती है और उनके साथ में नमी भी जाती है, तो वो ही फिर क्या है अगर चक्रवात का रूप ले लेती है तो आसपास फिर वहां बादलों से भारी बारिश भी होती है। अब ये क्या करता है, कुछ चक्रवात तो मूवमेंट करते हैं और कुछ चक्रवात जो है मूवमेंट नहीं करते, वहीं पे समाप्त हो जाते हैं। अब ये चक्रवात अगर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है कि इनके साथ में हवाएं भी आएगी तेज, स्पीड से भी ये तेज होगा तो मकान वकान गिरने जानमाल के नुकसान का डर है, और फिर इनके साथ में तेज हवाओं के साथ जो बादल है तो बादलों से बारिश भी होगी। किसी भी चक्रवात का मध्य भाग जो है उसको केंद्र या आंख कहते हैं, जैसा कि अभी हमने इसमें देखा ये चक्रवात की आंख है। इसका जो व्यास है, यानी व्यास का मतलब ये हो गया कि जैसे ये गोला है और इसका यहां से यहां वाला जो हिस्सा है इधर से लेके इधर, इसको हम व्यास कहेंगे। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है। किसी भी चक्रवाती तूफान की आंख की चौड़ाई या व्यास औसत तौर पर 30 किलोमीटर तक हो सकता है। 30 किलोमीटर इसका व्यास जो है वो हो सकता है औसत। आंख के चारों तरफ घूमते हुए बादल होते हैं जो, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिण में एंटी क्लॉकवाइज, आंख के ठीक नीचे आंख की दीवार होती है। ये एक प्रकार तेजी से घूमते हुए बादलों का छल्ला है जो बादल घूमते हैं। आप लोगों ने अक्सर राजस्थान में, आप रेगिस्तानी इलाकों में आपने गर्मियों में वो भभूलिया या भतूलिया देखा होगा, हवा का एक तेज झोंका सा आता है गोल गोल घूमते हुए, वो भी क्या है निम्न वायुदाब के कारण उत्पन्न एक शुष्क चक्रवात है। वो ही अगर समुद्र में उत्पन्न हो तो साथ में बादल भी उसमें हो जाते हैं। जब चक्रवात तूफान का स्तर गंभीर या अत्यधिक गंभीर हो जाता है, आमतौर पर हरिकेन हंटर्स नाम का विमान जो है वो चक्रवात के ऊपर भेजा जाता है ताकि वहां से उसकी आंख और तीव्रता का पता लगाया जा सके। वहां ये तो है नहीं कोई व्यक्ति गया और कैमरा लेके जो है वहां से फोटो खींच लेगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो विमानों से इसकी जो है वो मैपिंग होती है। ये भी आप यहाँ देख सकते हैं चक्रवात की आंख का, यहाँ पे आप किस तरह से इसका जो है वो बना हुआ है इसका भंवर। अत्यंत गंभीर चक्रवात की आंख जो है वो बीचों बीच से खाली होती है। ये खालीपन 30 से लेकर 65 किलोमीटर व्यास तक हो सकता है। खाली का मतलब है कि वहां एक तरह से शून्य है, निम्न वायुदाब है, वहां कोई ज्यादा हलचल नहीं है। अब ये क्या है, तूफान जैसे आगे बढ़ता है, अब मान लीजिए इस प्रकार का ये गोल घेरे का तूफान जो है ये आगे जा रहा है, इसे आगे चल रहा है, तो जैसे जैसे ये आगे चलेगा तो वैसे वैसे उसका शुरुआत वाला हिस्सा उसमें बादल बादल तेज हवाएं आएगी, फिर जैसे ही उस स्थान से मान लो बीच वाला हिस्सा गुजरा तो वहां क्या होगा शून्य होगा, तो वहां फिर बारिश वगैरह कम हो जाएगी, फिर वो और आगे जाएगा तो पीछे वाला जो हिस्सा जिसमें और वापस तेज बारिश आएगी, तो जैसे तेज बारिश आएगी तापमान कम हो जाएगा, बीच वाले में क्या तापमान सामान्य हो जाएगा, तो इसके चारों ओर बादल तेजी से घूमते रहते हैं। दुनिया के इतिहास में अब तक का जो सबसे बड़ा चक्रवात आया था उसका नाम था टाइफून कारमेन। इसकी आंख 370 किलोमीटर व्यास की थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 370 किलोमीटर की दूरी कितनी होती है, उतना तो उसकी व्यास की चौड़ाई थी, फिर उसका आसपास का जो घेरा है वो और ज्यादा बड़ा था। जबकि सबसे छोटा साइक्लोन की बात करें तो उसका नाम था हरिकेन विल्मा। इसकी आंख मात्र 3.7 किलोमीटर, बहुत ही छोटा,
इसमें हवा की गति 115 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर हो सकती है। वर्तमान माले की हवा की गति हमने देखी कि किस तरह से जो है उसकी हवा की गति जो है वो एक बार तेज इस रफ्तार से 220 तक पहुंच गई थी। वर्तमान में ये राजस्थान तक पहुंच रहा है तो अब इसकी गति जो है वो कम हो गई है। तो ये और इसमें ये भी होता है कि समुद्र के बीच में इसकी गति जो है वो तेज होती है और जैसे ये धरातल पे आता है तो फिर इसका प्रभाव कम होने लगता है। तो इसलिए जो तटीय इलाके हैं उन तटीय इलाकों पर इसका नुकसान ज्यादा होता है क्योंकि जैसे ये प्रवेश करता है जैसे जैसे आगे पहुंचता है ये तब इसका क्या है प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। जितनी बड़ी और गहरी आंख है इसकी उतना ही ज्यादा भयावह तूफान माना जाता है, जितनी ज्यादा उसकी आंख की व्यास है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चक्रवाती तूफान का सबसे शांत और नुकसान न पहुंचाने वाला इलाका उसकी आंख ही होती है। क्यों? क्योंकि ये शांत एरिया है तो जैसे ही पहले वाला एरिया पहुंचेगा तो तेज नुकसान होगा, फिर बीच में से जैसे आएगा तो कम नुकसान होगा। मान लीजिए ये शहर है और इधर से तूफान आ रहा है तो जैसे जैसे इसका पहला लेयर टकराएगी ज्यादा नुकसान होगा, बीच से कम होगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर लास्ट से फिर वापस तेज जो है उससे नुकसान होने का खतरा रहता है। क्योंकि वहां न तो बारिश होती है इसके आंख वाले में, नए यहाँ बादल होते हैं, बादल और बारिश जो है इसके चारों ओर होती है। तो मेरे ख्याल से आपको जो है ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये चक्रवाती जो तूफान है वो उत्पन्न होते हैं निम्न वायुदाब के कारण और फिर ये दिशाओं के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं। और इस मैप में आप यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यह समझ में आ रहा होगा ये बादलों का झुंड चारों ओर जो है इसके तेजी से घूम रहा है। और ये इसका देखिए जैसे ये चक्रवात की आंख है, आंख जो है ये 205 किलोमीटर के आसपास की रफ्तार है और इसका जो बाहर वाला जो दीवार है उसका हिस्सा यहाँ तक पहुँचा है तो जिससे कि यहाँ तक इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो ये जानकारी थी।